आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। सुबह के सारे काम हो चुका है, झाड़ू पोछा पूजा और ब्रेकफास्ट सब हो चुका है। चाय भी मैंने बना चुकी हूँ, तो घर में कोई नहीं, हम दो लोग भी रियाज में खाना बनाऊंगी। तो चावल मैंने बना ली, यहाँ पर साग को मैंने साफ करके रख चुकी हूँ। तो आज मैंने आपके साथ उड़ीसा की एक फेमस रेसिपी यानी मसाला डालमा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मसाला डालमा के लिए कटहल की मसाला डालमा आज मैं बनाऊंगी। क्या क्या मैंने रखी हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बाद में बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा लेती हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पर सब सामान रखे हूँ। तो एक है कटहल, एक छोटा सा बैंगन को काटकर पानी में रखी हूँ, एक बड़ा वाला आलू मैंने काट चुकी हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे दो अरबी, बस सब्जी में इतना ही लेते हैं। तो यहाँ पर आधा कटोरी यानी दो तीन मुठी जो चना दाल को मैंने सुबह से भिगा लिया था, तो अब अच्छी तरह भीग चुका है। तो यहाँ पर एक मुठ्ठी मैंने हरड़ की दाल धो चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक मुठ्ठी भुना हुआ मूंग दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाना बनाते बनाते मैं आपको भी बताती जाऊंगी इसमें और हम क्या क्या डालेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर को गरम करने के बाद यहाँ पर डालेंगे दो चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह गरम होने दीजिए। गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भिगा हुआ चना दाल। दो चना दाल को दो मिनट तक भून लीजिए। बाद में हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जी यानी जैसे कटहल, आलू और अरबी। सब्जी को डाल देंगे बाद में। अब हम डाल देंगे जो हरड़ दाल को हमने धोकर रखे थे यानी तुरट दाल को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी फ्लेवर आने के लिए, तेज़पत्ता डालने से ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आती है। उसके बाद यहाँ पर सब्जी और दाल को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत अनुसार हल्दी। हल्दी और नमक डालने के बाद फिर से एक दो बार इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर पानी थोड़ी सी ध्यान रखकर डालिए, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी सब्जी ख़राब हो जाएगा। इतना पानी डालिए सब्जी और दाल के ऊपर एक उंगली जैसा पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी पानी, अब मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दी थी हाई फ्लेम पर। यहाँ पर जब बॉयल आया तो मैंने बैंगन डाल दी और एक टमाटर डाल देंगे, जो मूँग दाल को धोकर रखे थे मूँग दाल भी डाल देंगे। दो सीटी आने के बाद हम प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज होने तक छोड़ देंगे, बाद में हम ढक्कन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीटी अब हमारी दे चुका है, तो मैं खुलकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी पानी डालमे के अनुसार हम जितना पानी दे रहे थे तो अच्छी तरह हमारी पानी भी सूख चुका है, ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं है। तो टमाटर को मैंने निकाल ली। फिर से एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें डाल देंगे दो चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, थोड़ी देर भून लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे पंचफूरन, पंचफूरन चटकने दीजिए। पंचफूरन चटकने बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मसाला सब आपकी पसंद के अनुसार डालिए। मैं यहाँ पर एक प्याज को डालकर छोटे छोटे पीस में काट कर डाल दी थी। यहाँ पर कुटी हुई अदरक और लहसुन को थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम नमक पहले डाल चुके हैं, सिर्फ मसाला के ढेर डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर जो टमाटर को हमने निकाले थे सब्जी से, तो इसमें टमाटर को भी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह मसाला को भून लेंगे। यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिए, ज़्यादा टेस्टी लगती है। मसाला को भून लेते हैं। लास्ट में यहाँ पर मैंने डाल दी हींग। इस तरह मसाला को भूनने के बाद मसाला भी हमारी अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो सब्जी को बॉयल करके हम रखे थे। तो दाल सब्जी सब बॉयल हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से हमारी चना दाल बॉयल हुआ है, लेकिन अच्छी तरह बॉयल हो चुका है लेकिन खुल नहीं रहा है अच्छी तरह। इस तरीके की हमारी दाल को बॉयल होना चाहिए। तो थोड़ी सी गर्म पानी मैंने डाल दी और यहाँ पर घिसा हुआ नारियल आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो नारियल डालने के बाद यहाँ पर देखिए
भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिए, क्योंकि ये इसकी शान इतनी होती है, इसके बिना ये डालमा बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जी इसे ही बिल्कुल घुल नहीं गया है, अच्छी तरह हमारी एक एक सब्जी हमारी नज़र में आ रही है। तो यहाँ पर हमारी डालमा बन चुका है, लास्ट में थोड़ी सी हरा धनिया, तो डालमा तो हो गई। तो यहाँ पर मैंने साग बना रही थी, साग और कुछ नहीं आज बनाऊंगी, सिर्फ डालमा के साथ साग बनाई थी, लेकिन डालमा इतनी टेस्टी लग रहा था। आप लोग जब बनाएंगे तब को आपको पता चलेगा, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो ट्राई करने के बाद आप लोग तक कटहल की डालमा ज़रूर बार बार बनाएंगे। तो बर्तन वगैरह जो कुछ होती है तो खाना बनाते बनाते मैं धो लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी डालमा भी बन चुका है, डालमा बन चुका है, यहाँ पर साग भी है। तो लंच हमारी बन गई, तो अब टाइम हो चुका है 1:05। अब मैं जा रही हूँ कपड़े वगैरह सब से ले आऊँगी। तो हस्बैंड आ गए हैं तो मैं जा रही हूँ उनको लंच दे लेती हूँ, बाद में मैं भी खा लूँगी। दोनों ही आज घर में है तो कोई नहीं है, हम दोनों लोग यहाँ पर खा लेंगे सिंपल लंच। देखिए लेकिन टेस्टी बना था। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर ली, रेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ गई थी। मैंने छिलके वाली मूंग दाल में थोड़ी छोटे छोटे कीड़े हो गई थी, इसी वजह से अच्छी तरह धूप आ रही थी तो मैंने धूप में डाल दी थी। 2-3 बार धूप में डाल दूँगी तो सारे कीड़े साफ हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं उसको अच्छी तरह छान कर रख लूँगी, यानी चला लूँगी थोड़ी सी छन्नी से, साफ हो जाएगा तो ज़्यादा कीड़े मकड़े नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके की मैंने सारी छिलके वाली मूंग को साफ कर ली। तो आज की ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और एक लाइक के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग भी एक बार ज़रूर बना